गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानसी सिस्टर। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी बज रहा है 9:30। आप सोच नहीं सकते होंगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा गाइस। गाइस तो 9:30 हो रहा है और ये मेरा वीडियो करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ, इच्छा क्या नहीं करा सकता है। अगर आप ठान लें कि आपको ये करना है तो वो करना है। तो गाइस मुझे अभी 9:30 मुझे खाने का मन कर रहा है, पानी पूरी देख सकते हो ये। तो मैंने बहुत दिन पहले इसे मंगा के रखा था, लेकिन मुझे एक्चुअली फीवर हो गया था, तो मुझे मन नहीं कर रहा था बनाने का और मुझे याद भी नहीं आ रहा था। तो अचानक से कोइंसिडेंस गाइस मैंने ड्राम खोला और मुझे ये दिख गया। तो मुझे मन कर गया गाइस, तो मैं जा रही हूँ बस इसे बनाने। मम्मी से बोल दिया, मम्मी आप आलू बॉईल कर दो, मैं आती तो मैं बनाती। मुझे पता नहीं है ये कैसे बनता है, पढ़ के देख के बनाऊंगी, लेकिन खाऊंगी जरूर आज। आज ये खाएगा अपन तुमको, ठीक है? डायरेक्शन फॉर यू, इसको पढ़ के अपन बनाएगा, ठीक है? तो गाइस चलते हैं और इसे मैं खोलती हूँ और देखती हूँ इसमें क्या क्या जादुई चीज है जो कि मेरे टमी में जाने वाला है। चलते हैं। चेक करोगे कि ये सामान दिया, समझो सही दिया, नहीं दिया तो समझो गलत दिया। तो गाइस अब देख सकते हैं इधर अभी चल रहा है स्वाद अनुसार नमक, और इधर दिया प्याज और आलू का बॉईल किया हुआ आलू। ये हम लोग का जाएगा छोला, लाल मिर्च पाउडर के साथ। और इधर चल रहा है डिनर के लिए तैयारी, और बना कौन रहा है? मेरी मम्मी पूरे पसीने पसीने हो गई है और बना रही है। बनाने वाला का इसी तरह पसीना निकलता है जितना ही टेस्टी होता है। तो गाइज मैंने इसको पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद मुझे पता चला है बहुत मुश्किल से कि इन दोनों को ठंडे पानी में मुझे डालना है और मिक्स करना है कि वो जो मोटा मोटा क्या होता है लम्स ना आए, हाँ गांठ ना आए जो भी है। और इसको हमें गुनगुने पानी में डालना है और मिलाना है, जो कि यहाँ पे लगेगा। और ये देखो हम लोग का डिलीशियस चोखा, तीखा तीखा रेडी हो रहा है। हाँ, मस्त और इसमें क्या है बब्बे? वो गर्म पानी कर रहा है। अच्छा, गर्म पानी हो रहा है। और इधर है हम लोग का डिनर जो कि बनेगा शायद पनीर का सब्जी बनेगा। इधर आपको पनीर रखा हुआ है, रिच पनीर बनाएंगे, रिच पनीर। हाँ, उसका भी मैं हो सके तो रेसिपी डाल दूंगी, आप भी देख लेना गाइस। लबदार पनीर, लबदार खाते देखो कैसा लग रहा टेस्ट। अच्छा ये कौन कौन किसका? गुलगप्पा जा रहा है तेल के अंदर। और ये गाइस बहुत ही बड़ा बड़ा हो जा रहा है एकदम मार्केट की तरह, मार्केट से भी ज्यादा ही, वो लोग थोड़ा चीपा हो जाता है। कितना बड़ा बड़ा हो गया गाइस। और इधर आधा है तो हमें रात में खाना भी खाना है, इसीलिए ज्यादा अब लोग नहीं कर रहे, थोड़ा सा ही करेंगे बस इना। तो ये वाला गाइस ठंडा पानी है और ठंडे पानी में हम डालेंगे पुदीना और इसको थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे मैं, और इसको हम चलाते रहेंगे कि ये अच्छी तरह से मिल जाए बस। और ये हम लोग का पुदीना पानी रेडी हो गया, होममेड। एक्चुअली मेरे घर में किसी को ज़्यादा पुदीना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ा सा किया है। मम्मी इमली चटनी वाला पानी खाती हैं और मैं थोड़ा सा पुदीना खाती हूँ। और गाइज यहाँ पे भी ठंडा पानी है, मैंने थोड़ा सा लिया है। और ये रहा ये खट्टा मीठा इमली पानी पाउडर, इसको भी ठंडे पानी में ही डालना है और मैं इसे जल्दी से फाड़ के डाल देती हूँ।
तो गाइस अब देख रहे हो इसमें लंग्स आ गया है, तो हमें ये चीज़ नहीं लाना है, हमें इसे पूरा दम ऐसा कर देना है। तो इसको भी ऐसे हम करेंगे मिला मिला के, ये पूरा देख सकते हो ऐसे हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी है। क्या बोलूँ मैं, मुँह में पानी आ रहा है मुझे। 10 मिनट बनाए पानी पूरी मुझसे सीखे गाइस। तो फाइनली पानी पूरी बन चुका है, आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना हुआ है। चलो पानी पूरी, एंड ये रहा इमली का चटनी, ये चटनी है ठीक है, थोड़ा सा गर्म है ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे है छोला, ये है पुदीना पानी, ये है इमली पानी, और ये भी इमली पानी है। और गाइस चलते हैं पेड़ पूजा करने। गाइस मुझे बहुत मन कर रहा था, तो मैं सबसे पहले ब्लॉग बंद करूँगी और पहले खाऊंगी। ज़्यादा क्रंची है ना, मैं खा के बताती, देखो बहुत ज़्यादा क्रंची है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी घर में बनाओ और इन्जॉय करो 10 मिनट में पानी पूरी। चल रही है डिनर की प्रिपरेशन, आप देख सकते हैं मम्मी बना रही हैं और मैं चली पानी पूरी खाने, और इसे मिक्सअप 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 पनीर की सब्जी। ये रही मैं गीली गीली पसीने से गर्मी है गाइस, गर्मी है, पसीना है नहीं लेकिन गर्मी है, बहुत है पसीना, चला गया अंदर। बड़ी बड़ी पीसेस है गाइस, आज तो दबा के खाने वाली हूँ मैं, मस्त चपातियों आज तो मैं बहुत मस्त खाऊंगी, और साथ में जल भी अंदर जा रहा है, और सब मिलके इतना टेस्टी बनेगा। आहा मैं सोच के अभी मेरे को पेट में चूहा दौड़ रहा है, जल्दी बनाई मम्मी, आई कांट वेट इट। मेरे दो मीठूओं को देख लो दोनों, ई तुम लोग को नहीं मिलेगा, तुम लोग को नहीं मिलेगा मीठू, तुम लोग को नहीं मिलेगा। एलो के लिए स्पेशली देख रहे हो, आम आया हुआ है यहाँ पे इतना सारा रखा हुआ है, और इन लोगों के लिए है, और मेरी माता श्री के लिए है। गाइस जैसी मम्मी वैसा आम, इतना बड़ा। आई मीन मम्मी को मालदेव ही पसंद है, और कोई आम नहीं खाती मेरी मम्मी, इसीलिए आप लोग जब भी मिले मालदेव लेके। मेरी मीठू के लिए छोटू सा आम, मैं आम पसंद नहीं करती हूँ। मेरी दीदी को मैंगो पसंद है और मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन गाइस मैं फिर भी खाऊंगी मैंगो, बिकॉज वो वहाँ लीची खा रही मुझे दिखा दिखा के, और मैं मैंगो फिर भी जबरदस्ती खाऊंगी तुम्हें दिखा दिखा के, और तुम देख के खाओ मीठू और मम्मी और मैं खाऊंगी मैंगो, मैं जबरदस्ती खाऊंगी गाइस। कोई बात नहीं दीदी, तुम टेंशन ना लो, हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, पसंद नहीं है तो क्या हुआ, हम एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। जा रही दीदी को वीडियो कॉल करूंगी, वीडियो कॉल करके पानी पूरी दिखाऊंगी, मैं उसे ललचाऊंगी गाइस, ललचाऊंगी, और देखते क्या उसका रिएक्शन आता है। तो मजे में तो गाइस, वो पता है उसके ना हॉस्टल में बहुत ही अच्छा अच्छा डिश मिलता है, और वो मुझे फोटो भेजती है, मेरा दिल टूट जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर जा नहीं सकती और पापा से मंगा नहीं सकती हूँ, बिकॉज पापा जंक फूड खाने के लिए सख्त मना करते हैं, और इक्का दुक्का दिल बोल लेती हूँ तो ला देते हैं, लेकिन हमेशा बोलूंगी तो खा भी सकती हूँ थप्पड़ गाइज, इसलिए नहीं बोलती हूँ। लेकिन गाइज उसके हॉस्टल में पानी पूरी, छोले भटूरे सब मिलते हैं, डोसा बर्गर सब मिलता है, एक मेरा ही हॉस्टल है ये हॉस्टल, यहाँ पे शुद्ध खाना दाल भात चावल लिट्टी चोखा और कभी कदाल आपको टाइम पे कुछ जंक फूड मिल जाएगा। तो गाइज पहला बाइट मैं खाने वाली हूँ, इसके अंदर भर भर के खाऊंगी, इसके अंदर ऐसे डब्बो पुदीना पानी, और ये गया मुंह में पानी। तीखा है फर्स्ट बाइट में
मजा आ गया ना। आ बोलो सेकंड कुरकुरा कुरकुरा सुनाओ। पानी पूरी खा चुके हैं एंड खाना भी अब खा लिए, तो मम्मी बताएंगे कैसा लगा आपको। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगा। और अभी आप क्या कर रही हैं? अभी बस लास्ट। देखो गाइस, मैंने जैसा बोला था ना, मेरी मम्मी को मालदेव पसंद है पर अपना काम में लग गई। रात के गाइस 12 बज रहे हैं और मम्मी को आम खाना है और मेरी डोरा को देख लो, ये चूहा पकड़ रही है। खत्ता में सब एक से एक बढ़कर है हमारे घर में और मैं घूम रही हूँ गाइस। डोरा पूरा घूम रही है। अभी एक चूहा आया था और उसको मतलब वो छत छत पे चला गया और डोरा दौड़ा दी थी छत तक। देखो कहाँ जासूस, मेरे घर की जासूस है गाइस, यहाँ है। आओ इधर डोरा, इधर आओ डोरा। क्या खोज रही? चला गया वो चूहा, चला गया। नहीं नहीं, मैं तो ढूंढूंगी, मुझे स्मेल आ रहा है, मुझे इजी कहीं है। और आपने हाथ में क्या किया है? डोरा हट जाओ, मम्मी को जाने दो। नहीं नहीं, मुझे जब तक मैंगो नहीं देंगी तब तक मैं नहीं हटूंगी। जल्दी से मुझे एक बाइट दे दो, दे दो ना। नहीं नहीं, दे दो ना, क्यों जा रही हो? दे दो, मैं भी आऊंगी। आज मेरे हाथ से वो नहीं बचेगा। कहाँ छुप के बैठा है, निकलो बाहर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे एक अगली ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।